लारा और मेरे बीच में बहुत झगड़े हुए, वी कुड नॉट स्टैंड ईच अदर। अभी भी इनके पास में बैठ के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और क्या क्या था बोले, बाल, हाँ बाल खींचते थे हम एक दूसरे के। नहीं, हमें हमने एक दूसरे को बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें भी कही है। फिर हमने ये भी लड़ाई की कि प्रमोशन में किसको दिखना चाहिए किसको नहीं, है कि नहीं वाजू जी? और फिर बाकी आपको जो भी याद है लिख दीजिएगा, बिकॉज द ट्रूथ इज दैट शी इज अ वंडरफुल वुमन and I'm not too bad myself and we got along just fine and as you can see publicity aside there are two good people who have a lot in common so it's not nice when you hear things like this but if you'd like to print it we're all game ji aisa mana jata hai ki jo cheez do baar hoti hai wo tibara zarur hoti hai to meri to expectations high ho gayi hai kyunki mujhe ab lag raha hai ki dusri film ke baad teesri film zarur aayegi chichi ke sath which is very good news tab se ab tak ka bahut fark hai दोनों में एक चीज कॉमन जरूर थी, बेबिथम। एंड द फर्स्ट टाइम ही कास्ट अस टुगेदर, मैं खाते पीते घर की बीवी नहीं लगती थी उस फिल्म में। इस फिल्म में माशाल्लाह 9 किलोस खाते पीते घर की लगती हूँ। एंड आई थिंक ही डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ इट बिकॉज व्हेन यू सी द मूवी इट्स अ सबटेक्स्ट कि एक औरत शादी करने के बाद अपने घर और फैमिली को संभालते वक्त हाउ शी लेट्स हरसेल्फ गो एंड देन इन वॉक्स यू नो तो उस फिल्म में भी शादी और इनफिडेलिटी था। माशाल्लाह दीज आर बोथ डेविड्स फेवरेट टॉपिक्स, तो उसमें भी ये था इसमें भी ये है, बट दिस टाइम इट्स मोर कंटेम्प्रेरी। बीवी अलग है, उसके रिएक्शंस अलग हैं। और चीची के साथ काम करना मतलब चीची के साथ काम करना मतलब सीखना। एवरी डे यू लर्न एज एन एक्टर, सो इट्स बीन अ प्लेजर।